तुम आज ये फिर फाइल दिखा के बिहार के बारे में बात कर रही थी। तुलना उसी से की जाती है जो कमजोर हो, तभी तो हम बेटर दिखेंगे। और बिहार में क्राइम रेट यूपी से ज्यादा है, तो तुलना उससे कर दी है। वैसे वो फाइल खाली थी, दिखाते समय कॉन्फिडेंस हो तो पब्लिक पूछती थोड़ी है कि फाइल में क्या है, बस मान लेती। मिर्जापुर 2 में मुन्ना त्रिपाठी की पत्नी के रोल में दिखी एक्ट्रेस, जाने कौन है वो। ईशा तलवार का जन्म मुंबई में हुआ है और वे टेरेंस लुइस डांस स्कूल से कई डांस परफॉर्मेंस सीख चुकी हैं। ईशा इसके अलावा 40 से अधिक विज्ञापनों में नजर आ चुकी हैं। ईशा तलवार ने साउथ इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत की थी। मिर्जापुर 2 में अपनी एक्टिंग से फैंस को प्रभावित करने वाली एक्ट्रेस ईशा तलवार पिछले कई सालों से साउथ इंडस्ट्री में सक्रिय है। इस लोकप्रिय वेब सीरीज में यूपी की सीएम और मुन्ना त्रिपाठी की पत्नी का रोल करने वाली ईशा का बैकग्राउंड भी फिल्मी रहा है और उनके पिता विनोद तलवार भी एक्टर रह चुके हैं। ईशा तलवार का जन्म मुंबई में ही हुआ है और वे टेरेंस लुइस डांस स्कूल से कई डांस परफॉर्म सीख चुकी हैं, जिनमें जैज, हिप हॉप, साल्सा शामिल हैं। ईशा तलवार ने साउथ इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत की है। उन्होंने साल 2012 में मलयालम फिल्म से डेब्यू किया था। इस फिल्म के लिए उन्होंने वॉयस ट्रेनिंग क्लास और लैंग्वेज क्लास भी ली थी। ईशा की ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। ईशा ने इसके बाद कुछ सालों तक साउथ इंडस्ट्री में ही काम किया और उन्होंने इस इंडस्ट्री में काफी लोकप्रियता भी हासिल की। इसके बाद साल 2017 में फिल्म ट्यूबलाइट में भी वो कुछ देर के लिए नजर आई थी, लेकिन उन्होंने साल 2018 में सैफ अली खान की फिल्म काला कांडी से सही मायने में अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। इसके बाद से ईशा आयुष्मान खुराना की फिल्म आर्टिकल 15, संजय मिश्रा की फिल्म कामयाब और हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म गिन्नी वेड सन्नी से विक्रांत मेसी और यामी गौतम के साथ भी दिखी थी। ईशा ने हालांकि मिर्जापुर 2 में भी अपनी एक्टिंग से सभी को प्रभावित किया है। उनकी अपकमिंग फिल्मों में राकेश ओम प्रकाश मेहरा की तूफान शामिल है। इस फिल्म में ईशा के साथ फरहान अख्तर और मृणाल ठाकुर भी काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इनका एक्टिंग मिर्जापुर 2 में जबरदस्त लगा है तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ में हमारे चैनल इंडियन मिरर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।